स्टूडेंट्स वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th लेसन 15 इन मेमोरियम। इस पोयम के रचनाकार हैं लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कवि का जीवन परिचय, कविता की हिंदी व्याख्या, मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, आपका जन्म 6 अगस्त ईस्वी सन 1809 में हुआ था। आपके पिता का नाम था जॉर्ज क्लेटन टेनिसन। आपकी माता का नाम था एलिजाबेथ फेचे। आपका जन्म स्थान है सॉमर्सबाय, लिंकनशायर, इंग्लैंड। आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। आपकी स्कूली शिक्षा किंग एडवर्ड 6 ग्रामर स्कूल लाउथ में हुई। सन 1827 में आपने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया। सन 1827 में ही टू ब्रदर्स नाम से आपकी कविताओं का प्रथम संग्रह प्रकाशित हुआ। सन 1831 में एक दुखद घटना घटी और टेनिसन के पिता का निधन हो गया। इसके परिणाम स्वरूप टेनिसन को डिग्री पूरा किए बिना ही कैम्ब्रिज छोड़ना पड़ा। सन 1833 में टेनिसन का कविताओं का द्वितीय संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था द लेडी ऑफ सैलोट। सन 1842 में टेनिसन की कुछ और कविताएं प्रकाशित हुईं, जिनके शीर्षक इस प्रकार हैं: लॉक्सले हॉल, ब्रैक 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 और यूलिसिस। सन 1850 तक टेनिसन अपने कैरियर की ऊंचाइयों तक पहुंच गए। सन 1850 में ही आपका सर्वश्रेष्ठ कविता संग्रह इन मेमोरियम AHH प्रकाशित हुआ। टेनिसन की पोयम इन मेमोरियम AHH सन 1849 में कंप्लीट हो गई थी। यह पोयम एक रेक्वियम है जो टेनिसन के दोस्त आर्थर हेनरी हेलेम की याद में लिखी गई है। आर्थर हेनरी हेलेम कैम्ब्रिज में टेनिसन के साथ पढ़ता था और वो टेनिसन का पक्का दोस्त था। सन 1833 में एक दुखद घटना घटी। टेनिसन के पक्के मित्र आर्थर का ब्रेन हेमरेज से 22 वर्ष की अल्पायु में ही निधन हो गया। आर्थर हेनरी हेलेम की याद में ही टेनिसन ने ये कविता लिखी इन मेमोरियम AHH। इन मेमोरियम AHH को संपूर्ण विश्व में 19वीं सदी की सबसे महान कविता माना गया है। सन 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद टेनिसन को पोएट लॉरियट बनाया गया तथा इसके बाद आप अपने संपूर्ण जीवन काल में पोएट लॉरियट बने रहे। 6 अक्टूबर सन 1892 को आप हम सबको इस दुनिया में छोड़कर दूसरी दुनिया में चले गए। इन मेमोरियम AHH का फुल फॉर्म है इन मेमोरियम आर्थर हेनरी हेलेम।
अर्थात आर्थर हेनरी हेलेम की स्मृतियाँ, अर्थात आर्थर हेनरी हेलेम की याद में। इस पुस्तक में कुल 90 पेज हैं। इन मेमोरियम को 4-line ABBA स्टेंजास पैटर्न में लिखा गया है तथा इस पोयम में आयम्बिक टेट्रामीटर का प्रयोग किया गया है। इस पोयम को कुल 133 कैंटोस में डिवाइड किया गया है। लेसन 15 में हम 106 नंबर का कैंटो अध्ययन करेंगे। रिंग आउट दी ओल्ड, रिंग इन द न्यू। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेसन के हिंदी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चंस एंड आंसर्स के वीडियो के लिंक दिए गए हैं। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।